घटना भी भगदड़ के कारण घटा, पुलिस वहां पर एक भी नहीं दिखी। मेन कारण तो पुल वाला है। जहानाबाद जिले से बराबर पहाड़ पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में रविवार सोमवार की रात को भयानक भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है, जिन्हें मखदुमपुर और जहानाबाद के सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया है। घटना के बाद मृतक के परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक चश्मदीद ने कहा, मंदिर में चौथी सोमवारी होने के कारण काफी भीड़ थी, लंबी लाइन थी। तभी एक व्यक्ति का फूल माला बेचने वाले के साथ बहस हो गया। माली ने बोल बम वाले से शिकायत की कि वो दुकान की तरफ क्यों झुक रहा है। तभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और लाठी डंडे चलने लगे। इसी की वजह से भगदड़ मच गया। चारों तरफ लोग भागने लगे, कई लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। बहुत से लोगों की मौत हो गई और बहुत से घायल हो गए। प्रशासन की लापरवाही किसे मानते हैं? घटना का पीछे क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता। वो ये घटना मारपीट की वजह से? जी हाँ जी, मारपीट हुआ है। हम लोग एकदम सामने ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है जी। हमको भी, हम कितने आदमी लगे हुए थे, हम लास्ट पसंद को घींच के निकाला है ना, तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे कैसे घटा? घटना भी भगदड़ के कारण घटा। अच्छा, तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी, और रास्ता में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा टोटल? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास। अच्छा, जी। मौत कितने लोग? मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम मनोज है। घटनास्थल पर थे वहाँ? जी हाँ। हमको भी सब चोट है ना भैया, देखिए ना, सब कटा फटा है सब। घर आपका कहाँ है? जी, हमारा जो सेवन घर है। तीन सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, तीन सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है, हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पर हम लोग जो इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक रॉक पे आपसे बात। आधिकारिक रॉक में